24 घंटे पुरुषार्थ की बात है। जैसे तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर एक समय भी ऐसा नहीं है जब वो काम नहीं कर रहा होता है। आपको पता है बात, किडनी हार्ट 24 घंटे पूरे टाइम ब्लड को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। अगर एक सेकंड के लिए बंद हो जाए तो तुम बंद हो गए कि नहीं। ऐसे ही 24 घंटे तत्व का निर्णय चाहिए। जैसे आप 24 घंटे क्यों चाहिए, एक बार कर लिया तो क्या देखा, अरे भाई 24 घंटे हमला होता है। सैनिक जो है बॉर्डर पे जो लगा हुआ है वहां पे ऐसी व्यवस्था होती है कि 12 घंटे तेरी ड्यूटी और 12 घंटे फिर दूसरे की ड्यूटी। तो आप ये मत समझना कि ड्यूटी कैसे बदलती है। पता है जब वो दूसरा वाला आ जाता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, तब पहला वाला हटता है। जब वो पहला वाला आता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, तब दूसरा वाला हटता है। ऐसा नहीं होता कि भाई तू आ गई हो मैं जा रहा हूँ। 10 मिनट का गैप देवे तो वहाँ बिल्कुल उनने लगा रखी है दूरबीनें कि अरे आज 10 मिनट के लिए कोई नहीं है, तुरंत बॉर्डर पार करो। आपको पता नहीं है ये जो बॉर्डर पार करके आते हैं आतंकवादी, ये कैसे आते पता है? ये वहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ ये बॉर्डर बने हुए हैं, जहाँ रास्ते बने हुए हैं, वहाँ इन्हें सुरंगें बना रखी हैं, समझ में आया, उस तरफ। और जे उनमें 15-15, 20-20, 25 दिन बैठे रहते हैं भाई साहब, खाने का सामान लेके आते हैं और वहाँ दूरबीन से चेक करते रहते हैं कि जरा सी पोस्ट, चेक पोस्ट बदले, खाली हो, कोई काम आ जाए, और जे बाथरूम करने जाए, कुछ जाए, कोई ऐसा मौका ढूंढते हैं और पार कर देते हैं। तो वहाँ पर चौकसी कितनी तेज चाहिए, नज़र कितनी तेज चाहिए, समझ में आया? आप पकड़ रहे हो? कई बार देखते हैं अपन, दिखाते हैं कि वे कोड वर्ड की भाषा में कि आज का कोड वर्ड है, आज का कोड वर्ड है, आज का कोड वर्ड क्यों, कि भाई तुम्हारी सेना के कपड़े चोरी हो सकते हैं, मिल सकते हैं, सब धंधे हैं, और उससे वो ही कपड़े पहन के आ गया तो तुम क्या, तुम सोचोगे कि ये तो अपना आदमी है? ऐ तो वो कहते हैं कि रोज का कोड वर्ड रखो, उस लाइन को पार करे तो पूछो कोड वर्ड बोल। तो वो कोड वर्ड अगर नहीं बोले तो तुरंत 2 मिनट के बाद गोली मार दो। सोचो बात, ये बाहर की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। अब अंदर आ जाओ, अंदर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, समझ में आया कि नहीं आया? और चारों तरफ उसको कर्मों ने घेर रखा है, चारों तरफ से जड़ से घिरा हुआ है, चारों तरफ कर्म का उदय, निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है, 24 घंटे परिणाम हो रहे हैं। देखना कितने घंटे, 24 घंटे ज्ञान के गे बन रहे हैं। अब वो अगर उसमें से एक बार भी गे में अपनापन करे तो मिथ्या दृष्टि, देखो कितना खतरनाक। अब बोलो श्रद्धा को सुरक्षित रखना कोई छोटी मोटी बात है? इसलिए चाहे सम्यक दृष्टि के जो गीत गाए जाते हैं वो इसलिए गाए जाते हैं कि महाराज तुम तो निकल गए, ये उपसम वाले के, क्योंकि उपसम वाले का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी मिथ्या तो गया नहीं है, दबा हुआ है। ये कभी भी कहीं पर भी अपनापन कर लेगा, शंका कर लेगा, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो अभी अपन को कितने पुरुषार्थ की जरूरत है ये सोचो। अभी तो गुरुदेव से ये ले रहे थे कि भैया शुभ भाव से लाभ होगा, शुभ भाव ठीक है, अशुभ से तो अच्छा है, करना चाहिए। भाई ये शंका हो गई कि अरे शुभ भाव पूरी तरह ही नहीं है भैया, ये मन ने थोड़ी गलती कर ली, ऐसा नहीं हुआ, होगी शंका, ये शंका हुई और फिर वो मिथ्या दर्शन हुआ, अशुभ भाव हुआ, और वो अशुभ भाव मैंने किया और मैं पापी हो गया, भाई ये बात होते ही फिर मिथ्या दृष्टि। अब अशुभ भाव होता है कि नहीं होता है, सम्यक दृष्टि को होता है कि नहीं होता है? अब सम्यक दृष्टि को अशुभ भाव होता है, लेकिन वो अशुभ भाव के काल में भी अपने को आत्मा मानता है, शुद्ध मानता है, ज्ञायक मानता है, और ये जानता है कि ये अशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। अब ये बात सुनने में जितनी आसान है ना, ये मानने में उतनी ही कठिन है। पूछो कैसे,
अभी तुम यहाँ तुम्हें सुनाते हैं कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा करता धरता नहीं है, आत्मा ने आज तक कोई परिणाम को किया नहीं, छुआ नहीं, सुनते हो ना ये सब बात, यहाँ बिल्कुल ठीक। और अब भी बाहर निकलते ही जैसे ही वो परिणति में परिणाम दिखेंगे, अरे साहब इतना सुनो, सुनना ही सुनना है साहब। अरे क्या है, बस परिणाम तो क्या करे, परिणाम तो बहुत बुरे हैं। मैं तो भैया बहुत कोशिश करता हूँ, ये परिणाम क्या, बहुत खोटे परिणाम आते हैं अपन को तो मैं सुन। अब देखो तुरंत उसने परिणाम की गोच करी, तुरंत परिणाम वाला अपने को माना, यहाँ जबकि सुन के गया था कि परिणाम तुम नहीं हो, तुम तो अपरिणाम ही गायक हो। ये सुनने के बाद भी वो तुरंत बाहर निकलते ही अरे अरे अरे, और देखो उसमें अशुभ भाव में करता है अरे अरे, अभी यहाँ निकलते ही हो जाए शुभ भाव तो खुश होता है, दोनों ही में भूल हुई कि नहीं। जैसे अशुभ भाव हुआ तो अपने को निंदनीय मानता है, निंदनीय, अशुभ भाव हुआ तो अपने को निंदनीय मानता है, और यहाँ से निकल के शुभ भाव हो जाए तो अपने को प्रशंसनीय मानता है, कहता देखो मेरे पे स्वाध्याय का असर हो गया। जैसे बाहर निकले वो गरीब और उसकी मदद करते तो बड़ा खुश होता है, अरे ऐसा नहीं, हम सुनते तो असर होता है, किस बात का, सुन के क्या असर हुआ कि गरीब को रोटी दो, गरीब की मदद कर दो, तो जो गरीब की रोटी दी, जो गरीब की मदद करी, वो तुमने करी कि उसकी होने योग्य मदद थी, वो हुई, तुम उसके कर्ता धरता नहीं हो, ये मानना था तुम्हारा। जो बाहर निकल के मंदिर में दान देने का भाव आया तो वो दान देने का भाव आत्मा ने किया कि आत्मा ने नहीं किया, समझो कि जिस आत्मा की दृष्टि करनी है उसने नहीं किया, हमें तो उसे उस शुभ भाव से भिन्न देखना है। और फिर दूसरा देखो, भूल पे भूल देखो, अगर इस भूल से बच गए कि चलो मैंने नहीं किया, पहले नंबर पर तो यही भूल हो गई कि मैंने किया, अगर जीव इस भूल से बच भी जाएगा नहीं मैंने तो नहीं किया, तो फिर दूसरी भूल एक खड़ी हो जाती है कि चलो मैंने तो नहीं किया लेकिन है तो अच्छा। अब बोलो दूसरी भूल से बचो, कितनी 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 बने, आप ये देखो कि कितना रास्ता खतरनाक है, और अपन इसको मजाक समझते हैं, इसको दो चार पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय इससे संयम जड़ की क्रिया से जीतना चाहते हैं, कैसे जीतोगे भाई। आईएएस ऑफिसर बनना हो तुझे और तू पहली दूसरी तीसरी चौथी की क्लासें खरीद लाए, क्यों, आईएएस ऑफिसर बनना हो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी की पुस्तकें खरीद लाए और उनको पढ़े, आ बड़ा छोटा छोटी, क्यों, वो कह के क्या कर रहे हो, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, हंसोगे कि नहीं हंसोगे। ऐसे ही हम उस जड़ की क्रिया में ऐसे उलझे हैं और हम कहते हैं साहब हम सिद्ध बनने की तैयारी कर रहे हैं, कौन से सिद्ध बनने की तैयारी कर रहे हैं, तुम इस जड़ की क्रिया से सिद्ध तो छोड़ो, तत्व सुन लो समझ लो, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है, कठिन बात है। तो जिन वाणी को कैसे सुनना, तत्व को कैसे समझना, ये कहाँ भूल पड़ेगी, इसका बार बार विचार करना।